व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू नेस्ले मिल्क पैक किचन। मैं हूँ शेफ वर्षा और आज फिर अपने वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और झटपट सी और मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत सी चीज़ें बनाना सिखा दी हैं हमने आपको। आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट, स्पेशल चना चाट। इस चाट में तमाम नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करके इसमें नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट भी मिलाऊंगी। तो आइए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं स्पेशल चना चाट के लिए। इसके इससे पहले हमें चाहिए बॉइल्ड चने सफ़ेद वाले 2 कप, खीरे हैं सो क्यूब्स की शक्ल में हमने काट लिया है स्क्वायर क्यूब्स में, प्याज चाहिए इसके लिए हमें, उसको भी हमने क्यूब्स में काट लिया है पानी में डिप करके ताकि उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाए। इसमें हमें बॉयल पोटेटोज़ चाहिए, उबले हुए आलू, उनको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। मैंने इसमें थोड़ी सी एडिशन की है, इसमें मैं पास्ता डाल रही हूँ बॉयल किया हुआ। आप चाहें तो एल्बो मैक्रोनी पास्ता या जो भी स्पाइरल पास्ता है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके साथ इसमें जाएगा चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और चॉप्ड हरा धनिया। फ्रेश कोरिएंडर यूज़ करेंगे इसके लिए। बहुत सिंपल रेसिपी है, हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसमें नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पेशल चना चाट। इसमें हमने डाले 2 कप चने, अब इसमें मैं डालूंगी खीरा, बॉयल पोटैटोज़ जो मैंने ऑलरेडी क्यूब करके और बॉयल करके छिलका उतार के रखा हुआ है इनके, प्याज जाएगी इसमें, थोड़ा सा पास्ता। इसको ठंडी करके हम खाएंगे, ये गरम गरम सर्व नहीं होगी, इसको हम ठंडा करके खाएंगे। फ्रिज में आप रख दें बना के और फिर उसके बाद आप इसको सर्व करिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे स्पाइसेस, चाट मसाला 1 टेबलस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर के, नमक हसबे जायका, इसमें डाला है हमने धनिया और अब हम इसको करेंगे मिक्स थोड़ा सा ताकि सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब हम डालेंगे इसमें नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। आपको जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट बिल्कुल स्मूथ, क्रीमी और बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर होता है। इसको आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इतना क्रीमी और स्मूथ होता है। आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली इसको पोर कर रही हूँ हमारी चाट के ऊपर, ये देखिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये फुल ऑफ विटामिन है, कैल्शियम्स हैं, मिनरल्स हैं इसमें और USDA ट्रीटेड है। आप इसको इस्तेमाल करिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ दही डाल के। स्पेशल चना चाट हमारी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें आप चाहें, ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो पाइनएप्पल के इसमें चंक्स भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा स्वीट या पाइनएप्पल टेस्ट पसंद करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। नेस्ले मिल्क पैक का दही इस्तेमाल किया है हमने, तो हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि दही खट्टा नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा, आप देख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला और ऐड कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसका कलर जो है वो कम लग रहा है, थोड़ी चटपटी बनेगी तो अच्छा जायका आएगा खाने का। और ये थोड़ा सी लाल मिर्च गई इसके अंदर, बस इसको मैं अच्छा सा मिक्स दे देंगे और अब मैं इसको हमारे सर्विंग प्लेटर में सर्व करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको सर्विंग प्लेटर में निकाल लिया है। इसको थोड़ा धनिया से गार्निश करूंगी और हमारी मसाला चना चाट जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको बना के थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दीजिए और इफ्तार के टाइम पे आप इसको निकालिए, ठंडी ठंडी सर्व करिए, बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस लगेगी ये। थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं हम यहाँ पर इसकी। ऑफकोर्स जब तक फूड की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। मैं जू पेपर टावल का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी सी बोल की कॉर्नर्स क्लीन करने के लिए। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप जू पेपर टावल का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही हाइजीनिकली अच्छा होता है हमारे किचन के पर्पज़ के लिए। आप इससे अपने किचन क्लीनिंग कर सकते हैं, बोल्स क्लीन कर सकते हैं या आप कोई भी चीज़ से अपने आप फाइंग आइटम के लिए इसको सर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको हैंकीज़ की ज़रूरत नहीं है, नैपकिन की ज़रूरत नहीं है कि बार बार आप उसको वॉश करें और फिर इस्तेमाल करें। आप डिस्पोजेबल है ये, आप जू पेपर टावल यूज़ करें, इसको डिस्पोज करें और नया इस्तेमाल करिए। ईजीली आपकी लाइफ जो है वो हैसल फ्री और साफ़ सुथरी हो जाएगी।
आप देख सकते हैं इसी के साथ ही हमारी स्पेशल चना चाट विद मिल्क पैक योगर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी के साथ ही आपसे इजाजत लेंगे, इसी प्रॉमिस के साथ ही कल दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइम पे इसी चैनल पे नेस्ले मिल्क पैक किचन में एक नई और मजेदार झटपट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी शेफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।